पाम कंट्री क्लब को सील करने के मामले पर सैकड़ों मुलाजमीन सिविल कोर्ट पहुंच गए। क्लब को सील करने पर महकमे रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। जानते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन, अपडेट कीजिएगा। रॉयल पाम कंट्री क्लब को सील करने के मामले पर सैकड़ों मुलाजमीन सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं। क्लब को सील करने पर महकमे रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। वाज़ह रहे कि मामला अदालत में है, उसके बावजूद रॉयल पाम कंट्री क्लब को सील कर दिया गया है। जानते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन, अपडेट कीजिएगा। जज नदीम अहमद की अदालत से ज़ायल फॉर्म पर कब्जा करने पर ज़ायल फॉर्म के जो मालिक हैं रमज़ान शेख और जनरल मैनेजर उमर मीर ने यहाँ पर तौहीन अदालत की सिविल कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने मौकफ अख्तियार किया है कि अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था 28 तारीख तक, और ये कहा रेलवे को हुक्म दिया था कि यहाँ पर जो है वो कब्जा ना किया जाए, लेकिन इन्होंने 24 जून को जो है वो कब्जा कर लिया और तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया, जिस पर ये तौहीन अदालत के जो ये मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनके इनके वकील जो है एतजाज अहसन जो है वो यहाँ पर अदालत में पेश हुए हैं, और उन्होंने अदालत को बताया कि ये रेलवे के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, अदालत एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दे, जब तक उसके उसका जवाब अदालत में दाखिल ना किया जाए तो कोई भी दूसरा फरीक जो है वो कदम नहीं उठा सकता, लेकिन इन्होंने नजायज जो है वो ये अदालत ने रेलवे को नोटिस जारी कर दिया कि वो अदालत में आकर जो है वो जवाब दाखिल करें। यहाँ पर रॉयल पाम के काफी तादाद में जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज अदालत के बाहर जमा है। उनका कहना यह है कि हमें नतीक अपडेट कर रहे थे।